हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी, जय विंध्यवासिनी। कल आप लोगों ने देखा होगा घर में माँ काड़ूबाई का जो जागुआ जोगरण था। आज मेरी तबीयत भी ख़राब है क्योंकि कल माता जी की सवारी दो दो बार आई है मुझ पर। एक सुबह आई थी क्योंकि सातवां दिन था काल रात्रि का, तो 101% था कि आना ही आना था माता की सवारी। मैं माता को बोल भी रही हूँ लेकिन तो भी थोड़ा सा वो उस वक्त सवारी के वक्त तो नहीं सोचती है। हर साल का है, भले साल भर नहीं आएंगी लेकिन एक दिन सवारी आती है, और कल तो दो दो बार आ गई क्योंकि वो इतना अच्छा जागवा जोगरण इतना अच्छा हुआ ही था। और सबसे बड़ी बात, सारे हमारे जय भीम वाले थे, बहुत बहुत अच्छा। क्या आपने देखा होगा, मतलब मेरा दिल एकदम अंदर से खुश हो गया था। मतलब कहते हैं ना, जैसे अगर हम कोई चीज़ पे कुछ पैसा खर्च करते और अगर वो दिल से मिले तो एक सुकून और शांति मिलती है, बहुत बहुत। और ये सही बोल रहे, ये पूरा इंतज़ाम मेरे प्रभु ने करवाया था जागवा जोगरण का इंतज़ाम प्रभु ने करवाया था, और बहुत अच्छा करवाया था। मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बहुत बखूबी निभाई। दिल से जितना थैंक यू बोलो कम है। सारे हमारे जय भीम वाले आए थे, बहुत अच्छा। मतलब किसी का वेट नहीं किया, कुछ नहीं, बिंदास तुरंत आतेमान चालू कर दिया और अपनी भूमिका पूरी निभाई, वो बहुत अच्छा। और मतलब कहते ना, बहुत बहुत अच्छा, उसके मतलब तारीफ जितनी करो उतनी कम है। दूसरा, माता जी का कल हवन है। कल मैंने बोला ना, कल भी मैंने काली लौंग से अभिषेक किया है। अब देखो जिसके साथ क्या होता है पता नहीं, लेकिन ये है कि कल है माँ का हवन, कल नवमी का हवन है, नौ कन्या जिमाई जाएंगी। मैं अभी भी सबको यही कहूँगी कि आज है मंडे और कल मंगलवार, मंगलवार का दिन दुश्मनों के लिए बहुत हावी होता है। कल के दिन आज रात को माँ का 51,000 जप होगा, 10 महाविद्याओं का जप होगा, महाकाली का जप पूरा होगा, 1,25,000 जप होगा। उसके बाद जो भी है, जप पूरा होने के बाद हवन होने वाला है। तो मुझे बहुत सारी लेडीज़ बोलती हैं कि मेरा पति इधर उधर मुंह मारने जाता है, ये करता है, उसको नपुंसक बना दो, ये बना दो। मैंने क्या कहा, काली मुठ करने का काम मैंने एक, अभी आपको बताओ, एक ईमानदारी की चीज़ नहीं है यहाँ पे। मैंने देखा है अगर मैं ईमानदारी से कोई चीज़ बताती तो लोगों को हजम नहीं होती। अभी मैंने काली मुठ करने का इतने कम बजट में डाला है, अगर आप किसी भी पंडित के पास जाते हो, लोग लूटेंगे करेंगे, इसका रिजल्ट तुरंत है, तो वो कराना नहीं है। ये एक ऐसा है काली मुठ करने का कि अच्छे से अच्छे बीमारी का समाधान करता है। कोई बहुत ज़्यादा बीमार है उसका, कितने लोग मुझे फ़ोटो भेज के बोलते जरा ये बताओ ना इसके ऊपर क्या है। मैं कोई झोला छाप पंडित नहीं हूँ, भूत भविष्य बताऊँ या किस पे भूत है प्रेत है वो बताऊँ, नहीं। मेरा काम है शक्तियाँ देना, मैं अघोरी हूँ। आप मुझे काम दोगे मैं करके दूँगी, आप मेरे से इन्फॉर्मेशन लोगे ये कहाँ है वो कहाँ है, हम आईनी अमलियत देखते तो ऐसा मतलब नहीं कि हम सबको बैठ के बताते फिर, इतना टाइम नहीं है, कॉल सेंटर नहीं खुला इधर। हाँ, कल दुश्मनों की बैंड बज चुकी है, अभी बजेगी, कल हवन होगा क्योंकि जो अभिषेक हुआ है लौंग का उसी में से दो मुट्ठी लौंग उठा के हवन किया जाएगा, जायफल से हवन किया जाएगा। मैं ना वो हवन का पूड़िया था ना मिट्टी वाला, उससे हवन नहीं करती हूँ मैं, काजू बादाम पंचमेवा से, क्योंकि कहते हैं पंचमेवा से हवन करने से घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। घी, केसर, शहद, शक्कर, ये चारों चीज़ें मिला के करो तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। फिर कहते खजूर से अगर हवन करो तो आकर्षण शक्ति मिलती है, जायफल से हवन करो तो मतलब विजय प्राप्ति होती है। जो काम के लिए हमने 9 दिन व्रत रखा था उसमें 101% हमें विजय की प्राप्ति होती है, हमारा रुका हुआ काम होता है ऐसा। अक्खा हल्दी, अक्खे हल्दी से हवन करते हैं जिससे कि बीमारियों का नाश होता है। हल्दी में एक बैक्टीरिया होता है, उससे हवन होने से आजू बाजू में भी एक प्रदूषण अच्छा होता है। दूसरा, उसके बाद हम काली मिरी से हवन करते हैं, काली मिरी से हवन करते हैं जिससे बीमारी का नाश होता है। इसके लिए मैंने बोला कि आपको जिसको भी काली मुठ करने का बोलो, प्लस मैंने बोला था कि मैं जब अजमेर गई थी तो मैं एक बहुत अच्छा वो शक्तियों का मैंने किया था, तो वहाँ पे दो शक्तियाँ मुझे मिली थी, तो जिन्नात का तो मैं बाद में ही डालूँगी दिवाली बाद क्योंकि अभी नहीं, लेकिन उसमें जो जो शक्ति है नूरी फातिमा बीबी शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो आदमी का इंसान का प्यार पाना हो या कोई उसे इग्नोर कर रहा हो या हमारे पैसे नहीं हो, आकर्षण शक्ति, कोई हमसे दूर चला गया हो, बार बार बुलाने के बाद भी हमारे पास नहीं आ रहा हो, बहुत सारी मिन्नतें सब कुछ कर ली तो भी नहीं आ रहा हो, जैसे एक विष की वशीकरण होता है, लेकिन ये शक्ति कैसी है नूरी बीबी फातिमा, मतलब एक इंसान के चेहरे में नूर आकर्षण शक्ति देता है, जैसे कोई रूठ गया हो, लाख मनाने के बाद भी हमारे पास ना आ रहा हो, बहुत सारे कोशिशें करके बहुत सी चीज़ें हासिल करके थक गए हो। बहुत सारे लोगों का शिकायत आता है मेरी बीवी चली गई, आने का नाम नहीं ले रही है, कितने लोग ये भी बोलते हैं कि उसमें हमारी बीच में हमारी सास आ रही है, तो ये नूरी बीबी फातिमा बीबी की शक्ति जो ऐसी है कि वो चीज़ को आप तक लाने में आपकी मदद करेगी।
आपका कहीं पैसा अटका हुआ है बहुत दिनों से, अभी मेरे को भी बीच में किसी ने काम दिया था, पैसा अटका हुआ है वो लाने में, कितना भी बड़ा रकम अटका हो तो 15 दिन के अंदर वो लाने में आपकी मदद करती है। मतलब हर ऐसा इम्पॉसिबल काम ये पूरा करके देती है, मतलब ये लोगों की विशेष पूरी करने आती है। मतलब आप अगर सब जगह से हार गए हो तो ये एक ऐसी शक्ति है जो आपको हर तरह से आपको मदद करेगी, आपको हर तरह से आगे बढ़ाएगी, सामने वाले को आपको समझने में मदद करेगी। बहुत बहुत बड़ी शक्ति, क्योंकि ये शक्ति मुझे ख्वाजा जी के लाडले पोते जो मैं गई थी ना किधर सांबर शरीफ में जो उनकी दरगाह है हसामुद्दीन शाह बाबा औलिया के, वहाँ से मुझे ये शक्ति मिली थी। उन्होंने नाम बताया था उसका, मैं आज उनका ये कर रही हूँ, ये बहुत सारे जन जानते हैं। ये शक्ति आपको उस मंजिल तक पहुँचाने में मदद करेगी जहाँ नहीं पहुँच पा रही। जैसे भी एग्ज़ाम आ रहा है, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई में बहुत वीक हैं, वो भी मतलब ऐसी कोई झूठी बातें नहीं है, उसको भी एक तरह से मदद करेगी ये शक्तियों का सिर्फ ऐसा है। आज आप ये शक्तियाँ सिद्धि करवाते हैं तो आपको 72 घंटे में इसका मंत्र मिलेगा, और इसको बहुत सरल प्रोसीजर है, इसको कोई खाना पीना कुछ नहीं देना है। आप जो खाना खाते हो, जैसे कर्ण पिचासनी को देते, आप जो खाना खाते हो उसी में से एक निवाला निकाल के रखना है शक्ति सिद्ध होने के बाद, और उसके बाद आपको बस इसको जब भी सुबह जब आप पूजा पाठ करते हो तो इसको सुबह तो नहीं रात को, सुबह भी करें तो अच्छा, लेकिन रात को करीबन 10:30-11 बजे के बीच में, अगर आप घर में नहीं कर सकते तो कहीं बाहर एक खुशबूदार अगरबत्ती रखिए घर में, एक पैकेट 2 अगरबत्ती रख दीजिए, और प्लेट में मीठी शक्कर गुड़ जो भी हो उसके नाम पे रखिए, क्योंकि ये इन्हें मीठा बहुत पसंद है, और 1 गिलास पानी रख दीजिए बस। उसके बाद अपनी विश बोलिए, देखिए अगर आपकी विश 24 घंटे भी नहीं बीते कि पूरी नहीं हुई तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये मैं आप लोगों के लिए एक नया नवरात्रि का गिफ्ट लाई हूँ ऐसा। बाकी बहुत सारे जन हैं जिन्होंने शक्तियाँ ली है, सुल्तान जिनकी शक्ति ली है, तो झूठ नहीं बोलूँगी, हैं हमारे एक जगह, मेरे पहचान में एक जगह है जिनको हम लोगों ने सब किया, वो बाद में बताऊंगी मैं, अभी तो वो शक्तियों के हिसाब से बताना नहीं है घर का, क्योंकि बहुत सारे जनों को है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये शक्तियों से ये फ़ायदा उठाइए। और ये है कि दुश्मनों के लिए काली मुठकरनी बहुत काम करेगी। अगर अभी भी किसी को लगता है कि किसी को किसी से पीछा छुड़ाना है, बहुत परेशान कर चुका है आदमी इंसान तो पे, और सबसे ज़्यादा पावरफुल तो सुल्तान जी ने, सुल्तान जी के पीछे गिफ्ट भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। 72 घंटे में शक्ति मिलती है, 15 से 20 दिन में उसका गिफ्ट मिलता है, तो ये बात है। लेकिन सब लोग गिफ्ट के लालच में सुल्तान जी मत लो, अपनी लालच में लो, क्योंकि वो जो काम कर सकता है कोई नहीं कर सकता। देखिए सारे जिन्नात सारी परियां अपने आप में बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन ये काम एक बहुत ही पावरफुल है। शक्तियों का मंत्र मैंने दिया है, शक्तियों के मंत्र को यूज़ करो, यूज़ करके, क्योंकि सुल्तान जी का मैं आज बताती हूँ, बहुत सारे जन मुझे बार बार परेशान करते हैं, माँ कैसे लोगों को मंत्र देती हूँ उनको ये तरीका नहीं माना। जैसे अभी आपने सुल्तान जी की शक्ति ली, अभी आप डेली खाना खाते हो ना, तो उसको भी डेली खाना चाहिए, उसको खाने में क्या चाहिए। जैसे अभी बीवी फातिमा, नूरी बीवी फातिमा का जिन बताया मैंने शक्ति, वैसे उनको भी डेली का रात को, दिन में मत करो लेकिन रात को 5 अगरबत्ती रख दो घर में, 1/2 किलो बताशे ले आओ, एक बताशा रख दो, या घर में मीठी शक्कर हो वो रख दो, है ना, वो रख दो, एक सिगरेट रख दो, क्योंकि उसमें साथ में हमारे दाऊजी पाटिल भी आते हैं, एक सिगरेट रख दो बस, और एक वो विश कर लो कि हमारा ये, और डेली बस उनका यही है, डेली उनको करके, और ज़्यादा नहीं एक माला बस सुल्तान जिन का जाप करो, या तो एक माला भी मत करो। मेरी दिशा ने भी आज ही मुझे कहा कि माँ मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे आसपास कोई है, क्योंकि उनको जब हम 24 घंटे आवाहन करते हैं ना, कुछ नहीं सिर्फ दो अगरबत्ती लगा के उनको आवाहन करना रहता है कि प्लीज़ मेरा यह काम कर दो, उनको दिल में दोस्त जैसा बना के बस इतना ही भी बोलोगे ना तो भी वो आपका काम करेंगे। मंत्र पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, फिर भी मंत्र पढ़ना है तो रात को बस एक माला आपको मंत्र पढ़ना है, और 5 मिनट मेडिटेशन करके उनको महसूस करना है बस, फिर देखिए आपका काम होगा। कैसे नहीं होगा काम, इतने लोगों ने लिया है, लेकिन क्या करते लोग सिर्फ वो करते हैं मेडिटेशन में, उनका दिमाग किधर और ध्यान किधर और रहता है, ऐसा नहीं। जब सुल्तान जी का ध्यान करो तो उसी का ध्यान करो, उसी के बारे में सोचो, तब वो तुम्हारे सामने आएगा। हाजिदा को भी ऐसे ही मैंने आईनी अमलेत सिखाया है, देखना आज जो कर रही है ना, उसके पास तो दूसरे ही जिन्नात है, तो ये बात है। तो सुल्तान जी जो कर सकते हो कोई नहीं, क्योंकि मैंने तो देखा है सुल्तान जी को अगर बारिश का आह्वान करो तो होता है, जो चीज़ करो होता है, सामने वाले को पागल बनाने का दम है उसके अंदर, ये बात पक्की है मेरी। आप लोगों को सिर्फ बातें आती, ले जब शक्तियाँ ले तो ली है बहुत सारे लोगों ने, लेकिन इनमें से कितने जने सिर्फ पैसों के लालच में लिए, लेकिन आज तक उनको अगरबत्ती सिगरेट नहीं लगाते। एक बात याद रखना, जो लोग शक्तियों का अपमान किए हैं ना, उनको सज़ा भी बहुत मिलेगी, बहुत बड़ी। आज मेरी बातें मजाक लग रही है, लेकिन देख लेना जब उनके घर में उनका सब कुछ बिगड़ेगा ना, एक्चुअली शक्तियाँ तुम्हारा नहीं बिगाड़ेंगी, तुम्हारे अपनों का बिगाड़ेंगी, क्योंकि तुमको अगर सज़ा मिलेगी तो तुमको नहीं महसूस होगा, तुमको सज़ा मिलेगी तुमको ऐसा लगेगा अभी भी मेरे पर ही कोई कुछ कर रहा है,
लेकिन जितने लोगों ने शक्तियाँ ली हैं, जब शक्तियाँ उनके घर वालों का बिगाड़ेंगी ना, तब उनको पता चलेगा कि हाँ मैंने शक्ति ली थी, मैंने उसका भोग वोग नहीं दिया। इसके लिए ना कोई अमावस्या पूर्णिमा पे उनको भोग लगाते हैं ना कुछ करते। अगर मैं बोलूँगी कि मुझे भेज दो तो कुछ नहीं करते, बस अपनी होशियारी करते, बाद में तकलीफ़ में आते हैं। तो आओ तकलीफ़ में, क्या कर सकते हैं। तो कहते ना जैसी करनी वैसी भरनी, जो मेरी बातों को इग्नोर करता है, बातें नहीं सुनता है, उसके साथ वैसे ही होता है। तो जैसा करोगे वैसा भोगो भरोगे। और अभी यही है कि कल माँ की नवरात्रि का पूरा नवमी पूरा होगा, दशहरा। तो कल का दिन और परसों का दिन बहुत मेन रहता है। कल हवन होगा, हवन में ही सारा काम होगा। अगर अभी भी आपको चाहिए कि आपका दुश्मन 24 घंटे में हॉस्पिटल पहुँचे, तो ये बात तो पक्की। अगर अभी भी पूजा चालू कराओगे तो ये गारंटी है कि हवन होने के बाद तो 24 घंटे में हॉस्पिटल पहुँच जाएगा। ये मेरा वादा है। बस जय माता दी।